हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूफीज़म के बारे में, सूफीवाद भी कहते हैं इसे। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ विच मीन्स वूल, रेफरिंग टू द कोर्स वुलन क्लोथ्स वॉर्न बाय सूफीज। सूफी वर्ड अरबी वर्ड सूफ से लिया गया है, जिसका मीनिंग है सूफियों द्वारा पहने जाने वाले मोटे ऊनी कपड़ों को रिफ़र करना। इस्लामिक टेक्स्ट में शब्द तासावुफ का इस्तेमाल किया गया था। सूफीवाद मोनोदाइज़म यानि एकश्वरवाद में विश्वास करता था और भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर्सनल डिवोशन का प्रचार करता था। उन्होंने रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया और भगवान के साथ मिलन की मांग की। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम्स की रचना की। अब सूफीवाद की फीचर्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गॉड मैन एंड द रिलेशन ऑफ लव बिटवीन गॉड एंड मैन इज फंडामेंटल टू सूफिज्म। ईश्वर मनुष्य और ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम का संबंध, रिलेशन ऑफ लव, सूफिज्म के लिए फंडामेंटल है। सेकेंड पॉइंट है, द आइडियाज़ ऑफ सोल, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी एंड इन्फ्यूशन ऑफ द डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन लव एंड सेल्फ एनिहिलेशन आर सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ सूफिज्म। आत्मा, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी मतलब दिव्य निकटता, और डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन लव, दिव्य प्रेम और आत्म विनाश के विचार सूफिज्म के प्रिंसिपल के केंद्र में है, उसके सेंट्रल में है। नेक्स्ट है, सूफिज्म आल्सो लेस स्ट्रेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसीडर्स सेंस ऑफ परसेप्शन, यानी कि धारणा की भावना। सूफिज्म आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर भी जोर देता था और ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त या गेन करने के लिए सेंस ऑफ परसेप्शन या धारणा की भावना की एक ज़रूरी कंडीशन मानता है। फोर्थ पॉइंट है, अदर की आइडियाज इम्फोसाइज बाय सूफिज्म आर गुड एक्शन, जिसको कहते हैं अच्छे कार्य, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, ध्यान, दान, उपवास और पापों के लिए पश्चाताप, रिपेंटेंस ऑफ सिंस है। फिफ्थ है, सूफी लोग इनर प्योरिटी पर जोर देते थे, इस प्रकार वे रिप्रेजेंट करते थे इस्लाम का माइस्टिकल साइट को। अब माइस्टिकल मीन्स जो स्पिरिचुअली रिलेटेड हो, रहस्यमय पक्ष को रिप्रेजेंट करता था ये सूफीज़म। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सूफीज़म। अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सूफीवाद के सिद्धांत को पढ़ते हैं। फर्स्ट है, खिलावत दार अंजुमन, सॉलिट्यूड इन द क्राउड। इसमें खिलावत का मतलब है एकांत, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। बाहरी एकांत मींस एक्सटर्नल सेकल्शन के लिए सीकर को लोगों से दूर रहने और भगवान की याद में अपना समय बिताने की आवश्यकता होती है। आंतरिक एकांत, इंटरनल सेकल्शन का मीनिंग है कि चाहे भीड़ के बीच चलना या कुछ भी करना, किसी को लगातार अपना मन एलमाइटी मीन्स स्वर शक्तिमान पर, गॉड पर स्थिर रखना चाहिए। नेक्स्ट है, याद कर्द, एसेंशियल रिमेम्बरेंस, एसेंशियल रिमेम्बरेंस या फिर आवश्यक स्मरण। याद मतलब होता है रिमेम्बरेंस या स्मरण, और करत का अर्थ है स्मरण का सार, एसेंस ऑफ रिमेम्बरेंस। अपने आप को जप, इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंटरनल प्रैक्टिस एज डायरेक्टेड बाय द मास्टर, एक प्रैक्टिस है जो मास्टर गुरु द्वारा डायरेक्ट की जाती है, उसका पार्ट, जप का पार्ट करने में लगातार इंगेज रखना, और इस तरह से कि सीकर अपने दिल में गुरु या उनके स्वर शक्तिमान मीन्स भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दे अपने हार्ट में, वही एसेंशियल रिमेम्बरेंस कहलाता है। थर्ड पॉइंट है, याददाश्त, रिकलेक्शन,
इसका मीनिंग है कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस, निरंतर स्मरण करना। जब सीकर प्रैक्टिस के थ्रू इतना निपुण हो जाता है, मतलब परफेक्ट बन जाता है, कि रिमेम्बरेंस अपने आप ही हार्ट में एफर्टलेसली चलता रहता है, तो उसे याद दश्त कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है वाकुफ कुलबी, अवेयरनेस ऑफ द हार्ट, मीन्स हृदय की जागरूकता। सीकर को हमेशा अपने हार्ट कुलब पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि उसका ध्यान हमेशा डिवाइन प्रेजेंस, ईश्वर की उपस्थिति की ओर रहे और यह कहीं और ना भटके। फिफ्थ पॉइंट है होश दार दम, कॉन्शियस ब्रीदिंग। ट्रू सीकर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि वह गॉड की रिमेम्बरेंस से रहित कोई भी ब्रीथ ग्रहण ना करे। उसे हर ब्रीथ के साथ भगवान की उपस्थिति में रहना चाहिए। जानबूझकर ली गई हर सांस जीवित है, और लापरवाही से ली गई हर सांस को कंसिडर किया जाता है कि वह लॉस्ट है। अब है इंपैक्ट ऑफ सूफिज्म, सूफिज्म का प्रभाव देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द लिबरल एंड अनऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ऑफ सूफिज्म हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मेडिवल भक्ति सेंट्स। सूफीवाद के लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स मीन्स अपरंपरागत एलिमेंट का मेडिवल भक्ति संतों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेटर पीरियड में सूफी डॉक्ट्राइन, सूफी सिद्धांतों ने रूलर्स को उनके नैतिक ऑब्लिगेशंस के याद दिलाने के साथ साथ उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव को प्रभावित किया। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो मुगल एम्पायर अकबर के रिलीजियस आउटलुक मीन्स धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक नीतियों, रिलीजियस पॉलिसी को सूफीवाद के अंडर बहुत आकार दिया गया था। नेक्स्ट है सूफिज्म टुक रूट्स इन बोथ रूलर एंड अर्बन रीजन। सूफीवाद ने रूलर और अर्बन एरियाज में जड़ें जमा ली और जनता पर, मासेस पर गहरा पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल प्रभाव डाला। स्पिरिचुअल ब्लिस मीन्स स्पिरिचुअल आनंद अंतिम एम था, और जनता सभी प्रकार के ऑर्थोडॉक्सी, फॉल्सहुड मतलब झूठ, रिलीजियस फॉर्मलिज्म्स मीन्स जो जोर देता है रिचुअल और ऑब्जर्वेंस पर, और हिपोक्रेसी मीन्स पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती थी। इन अ वर्ल्ड टॉन ऑफ कंफ्लिक्ट, संघर्ष से टूटी दुनिया में सूफियों ने पीस और हार्मनी लाने की कोशिश की। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफिज्म इज टू ब्रिज अ गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम प्रिजुडिसेस। सूफीवाद का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हिंदू और मुस्लिम प्रिजुडिस के बीच की गैप को भरना था। इन दोनों रिलीजियस कम्युनिटी के बीच सॉलिडरिटी मीन्स एकजुटता, और हार्मनी या ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा का बॉन्ड बनाया गया था। सूफी संतों को ना केवल मुस्लिम्स द्वारा बल्कि बड़ी संख्या में हिंदुओं द्वारा भी सम्मानित किया जाता था। उनकी कब्रें टॉम्स दोनों कम्युनिटीज के लिए पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा का एक आम स्थान बन गई है। फिर आता है मेजर सूफी ऑर्डर। फर्स्ट है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती ऑर्डर या सिलसिला की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सादगी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी और ईश्वर के प्रति सेल्फलेस डिवोशन में विश्वास करते थे। सेकेंड है सुहरावर्दी सिलसिला। इसकी स्थापना बगदाद में शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। सुहरावर्दी ने सुल्तानों से मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम स्वीकार किया और टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। थर्ड है नक्शबंदी सिलसिला। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा भारत में स्थापित की गई साइलेंट मेडिटेशन ऑफ हार्ट
हृदय के मौन ध्यान के कारण इन्हें साइलेंट सूफी भी कहा जाता था। उन्हें रिलीजियस म्यूजिक यानी धार्मिक संगीत सुनने और संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा की प्रथा का विरोध किया। फोर्थ है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला जो है यह सिलसिला पंजाब में पॉपुलर था, लोकप्रिय था, जिसे शेख अब्दुल कादिर की टीचिंग्स के अंडर मुगल शासन के टाइम शुरू किया गया था। द पीर ऑफ दिस ऑर्डर डिसमिस्ड ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। इस आदेश के पीरों ने रूढ़िवादी एलिमेंट को डिसमिस कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाई जाए।